ये किस तरह का कैप्टन है ये शाहीन से खुश हूँ। कम ऑन कराची किंग्स, कम ऑन, आई लव यू कराची किंग्स। यहाँ पे ये देखिए कराची के फंडे, दो में से दो हार मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये देखिए सर पीट रहे अपना लाहौर वाले। और अच्छा अफरीदी का समझ में नहीं आता भाई ये किस तरीके का कप्तान है, इसको ये ईगल बोलते हैं, ये एक्सटिंक्ट है या पता नहीं क्या है। खुद आ रहा है बॉलिंग पे, पोलार्ड से छक्के खा रहा है, आखिरी ओवर में बॉलर स्पिनर को थमा दिया। व्हाट इज कलंदर्स, एक बार आप चेक कर, किसी को ओवर बचा या नहीं था, इन्होंने कैसे यहाँ पे स्पिनर को बॉलिंग दी, आखिरी ओवर स्पिनर को कैसे आप दे सकते हो। जान मारी कलंदर्स ने, अब आप जान मारो या जो फायदा तो कुछ है नहीं। देखो शाहीन अफरीदी की नाकिस कप्तानी की वजह से लाहौर कलंदर अपना चौथा मुकाबला भी हार चुकी है, जिसको लेकर इंडियन मीडिया भी शाहीन अफरीदी के ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि शाहीन अफरीदी की कप्तानी इतनी नाकिस रही कि आखिर में उनके पास कोई भी पेसर नहीं बचा और मजबूरन उनको आखिरी ओवर स्पिनर से डलवाना पड़ा, जिसकी वजह से सामने खड़े बॉलर ने भी उनको मैच हरा दिया, जबकि शुएब मलिक और पोलार्ड को वो ऑलरेडी आउट भी कर चुके थे। दोस्तों अभी हम मुकम्मल वीडियो की जानिब चलेंगे और इंडियन मीडिया की तफसीलन गुफ्तगु सुनेंगे, तो मुकम्मल वीडियो की जानिब चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि बल्कि घंटी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आखिरी बॉल पे चौका लगा दिया है और मैच जीत लिया है भाई, मसूद खुश है, शान मसूद जीत गए हैं। चीटिंग चीटिंग भी लाहौर कलंदर को रास नहीं आई। शाहीन शाह अफरीदी अव्वल नंबर का मनहूस कप्तान, टेपिया जिसके हाथ में हाथ तो आया मुंह ना लगा, कंधा और तुड़वा लिया उसने और वो भी चला गया। कैसा ये मैच हुआ है मुझे तो समझ में नहीं आई कि अच्छा खासा वो जीत भी सकते थे। पोलार्ड इनको, यार पोलार्ड रोज रन मार रहा है, ये हार्दिक और रोहित के लिए लड़ रही है मुंबई, कप्तान तो पोलार्ड को बनाना चाहिए था, अभी तक सही खेल रहा भाई है। पोलार्ड ने फिर आज तोड़ दिया और कराची किंग्स फिर जीत गई है और लाहौर कलंदर एक और बार हार गई है, चार में चार लगातार। यार मैंने चूज करा टीम को बर्बाद होके रह गई, हालांकि सेकंड मेरी टीम कराची ही है तो मैं ये तो खुश हूं कि कराची जीत रही है, लेकिन लाहौर कलंदर से बर्बाद टीम, इससे ज्यादा मनहूस कप्तान, इससे ज्यादा लानती डिसीजंस और इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज, चीटिंग करने के बावजूद खुलेआम चीटिंग, जहां पे कि कैच कंप्लीट नहीं हुई, हाथ से निकल गई, उसके बावजूद हार गए। मतलब इतने लख के लानती मैंने नहीं देखा, और दो बार की चैंपियन टीम है भाई ये, डिफेंडिंग दो बार की चैंपियन टीम है, और ऐसा भी नहीं कि कोई स्कोर इनका, एक बार इन्होंने 195 टाइप बनाया, फिर 180 प्लस टाइप बनाया, फिर कुछ ऐसे ही बनाया, आज भी 175 प्लस। इतनी बड़ी बॉलिंग लेके शाहीन अफरीदी, टेपिया द टेंसिया, जमान खान, फलाना खान, ढमकान खान, सबको लेके भी ये डिफेंड नहीं कर पाते, ये तो बाहर हो गए पीएसएल से, मुझे नहीं लगता कि ये अब ऊपर आ पाए। लाहौर कलंदर आउट है भैया, ये तो जग जाहिर था, कमबैक कर छह में से छह कहां से जीतेंगे, नहीं हो पाएगा। आज भी मुझे लग रहा है एक आध जीत जाए, दो अभी ये एक ही जीत जाए बहुत है। पिछली बार वसीम अकरम ने देखा ना, वो 7-8 हार गए थे लगातार, यार कराची वाले थे ना, 7-8 लगातार कराची हार गई थी। मेरे को लग रहा है वही हाल इस बार इनका होने वाला है। और वही शान मसूद भी बोल रहा है कि भाई वो कैच हुई नहीं थी, शाहीन कह रहा है कि ठीक है भाई हम तो वैसे ही रोते रहते हैं, शान कह रहा है मैं बाद में बताता हूँ आपको, हार गया निकले आप, कोई बात नहीं, अगली बार आए अपनी शक्ल ना दिखाए, चीटर कॉक है आप। यार इतनी ज्यादा क्लियर चीटिंग, वो आ गया अपना अवतार बन के, अवतार याद है राजेश खन्ना, क्या हो रहा है भाई ये, किस तरीके की ये लीग है जहां पे खुलेआम धांधली चलती है। फैंस भी बेचारे दुआएं मांग रहे लाहौर कलंदर के, यार वैसे मैंने गलत ही कर दिया लाहौर को चुन के, आपने डीसी को गलत किया था, आपने यहां पे भी गलत किया है, मैंने फैंस प्रूफ पहले ये हार कैसे गए ये मैच, ये लास्ट में जाके ये यार हसन अली से तो नहीं हारना चाहिए था, पहले हसन अली छक्का मार दिया, इनके बस की नहीं, चार आउट करके हार रहे हो आप भाई, चार आउट कर दिए मलिक और पोलार्ड मार के गया इनको, चार आउट कर लिया था, पोलार्ड आउट तो कर लिया था, 45-4 कर दिया था, फिर हार गए 45-50 लाहौर दिए थे, ये लाहौर कर सकती मतलब है, मतलब कि शाहीन अफरीदी, मैं तो खुश हूँ कि वर्ल्ड कप का कैप्टन पाकिस्तान का शाहीन अफरीदी है, एक बाबर आजम कुआ एक ये खाई, बीच में नाई हारिस रऊफ, हजामत जिसने करवानी है पाकिस्तानी करवा लो उससे, मतलब कि किस तरीके की, अच्छा ये बाबर नहीं ऐसा तो नहीं है वापस आ जाएगा, तो ड्रामा कर रहा था कैच छूट गई तो थोड़ा सा, आपको पता नहीं समटाइम्स इट्स एक्टिंग, वही वाली बात है पूरी टीम में। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी तो एकदम मतलब बकवास, जो लोग बोलते थे कि पीएसएल में इसने करा हुआ है बड़ा अच्छा, इसको दे दो इसको दे दो, अच्छा ये वो रोहित शर्मा वाली बात हुई बाय द वे, रोहित शर्मा को लोग बोलते थे आईपीएल में बड़ा अच्छा करता है, दे दो दे दो दे दो, बुरे हाल हो गए, ना परफॉर्मेंस आ रही है और ना मैच जीता पा रहे हैं वर्ल्ड कप में, वैसे यहां पर हो गया, ना शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस आ रही है, नाफे आया उसने लपेट दिया, कल परसों देखा था डेविड विली ने छक्का मार दिया था, हाँ। ये जब भी एंड में आ रहा है पिटे जा रहा है, और अगर बॉलिंग डिसीजन भी देखोगे, बॉलिंग चेंजेस भी इसके देखोगे तो बेसिर पैर के डिसीजन है, लगातार चार मैच हार गई लाहौर कलंदर, न्यूजीलैंड में
ये मेरे ख्याल कितने 5 में से 4 मैच हार गए थे, लास्ट वाला जीत गए थे, वो भी इफ्तिकार ने जितवा दिया था, पता तुक्का लग गया था इनका क्या हो गया था। आज भी देख लो शोएब मलिक ने 32 पे 39, 33 पे 58, पोलार्ड नहीं मारा वैसे 176 की स्ट्राइक रेट, 1 चौका 5 छक्के, 5 छक्के वो मारता गया रिटायर्ड प्लेयर, इसको अकल नहीं आई कि मैं इनको आउट कैसे कर लूं। और एंड में आके यार ये नियाजी और ये क्या कहते हैं हसन अली, हसन अली मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि शुरू में 4 विकेट लेने के बाद शोएब मलिक वो वेव ऑफ सनम और पोलार्ड ये पार्टनरशिप कर जाते हैं आपको, जो दो आप कहते हैं बुजुर्ग प्लेयर यार खत्म करके चले जाते हैं।